गाइस आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आपको मैं आज कुछ न्यूज़ मिला मेरे को सुनने को, मैं स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे कुछ देखने को तो मिला, मैंने कहा चलो क्यों नहीं आप लोग साथ उसको शेयर करें। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि मेरी वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज हम बात करते हैं आकांक्षा दुबे, जिनका अभी जो भोजपुरी एक्ट्रेस है जो कि सुसाइड कर लिया, उन्हीं से रिलेटेड कुछ था तो मैंने कहा चलो आप लोग को शेयर करते हैं। तो जैसे कि आपने पहले इंट्रो में वीडियो देख ली होगी, मैं किस चीज़ के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो पवन सिंह है वो अक्षय सिंह के घर पे पहुंचे, उनकी मम्मी से मिले, उनके फादर से मिले। तो चलो मैं दिखाती हूँ, और वहाँ पे तो आकांक्षा जी भी गई थी, तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वीडियोस, फिर आप लोग कमेंट करना कि आप लोगों को कैसा लगा, क्या सही है क्या गलत है, चलो दिखाते हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये पवन सिंह जी हैं जो कि यहाँ पे गए हुए हैं, और जो आकांक्षा दुबे जी का घर था वहाँ पे, और उनके फादर से मिले, उनके मदर से मिले, आप लोग खुद ही देख रहे हो उनकी मम्मी काफ़ी ज़्यादा रो रही हैं। काफी ज्यादा लोग आए हैं या देखने के लिए उनके, क्योंकि उनके बरसात में कौन सी यहाँ पे आ चुके हैं और ये घर के अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो गाइस मुझे एक बात नहीं समझ में आता, लोग देखने पहुंचे या लोग सहानुभूति देने पहुंचे, ये तो पूरी जनता आई थिंक लोग देखने ही पहुंचे, बट देखते हैं अच्छी आगे देखते हैं क्या होता है। उनकी मम्मी काफी ज्यादा रो रही है आई थिंक, क्योंकि वो किसी की भी मदर या फादर तो उनको या दुख होता है, किसी को तो होता नहीं है। गाइस उनके फादर से भी मिले हैं, तो गाइस अब भी उनके फादर से मिलने वाले हैं। अपडेट है दोस्तों, आप सबको मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो काफी ज्यादा लोग तादाद में इतना भीड़ लगा दें कि वो इंसान खुद ही अनकंफर्टेबल हो गया है। काफी ज्यादा मतलब बुरा हुआ ये चीज, सुसाइड करना बहुत ही टफ, मतलब बहुत ही मुश्किल सवाल होता है किसी के लिए भी। नहीं नहीं रोना नहीं है, रोना रोने की बात नहीं, नहीं ये रोने की बात नहीं है, ये तो अपना विधान है ईश्वर का ना, किसको किस तरह से आना है जाना है वो उनका विधान है, आप अपना कर्म कर रहे हैं, सिंचन करना है। मैं बोली मैं तुम्हें दुनिया को जलते हुए नहीं देख सकती, पूरी देखी, फिर जब वहाँ से चलने लगी सब लोग चले, बोले कि चलो घर पे, तो बोलती नहीं मैं जो काम के लिए आई जो काम के लिए आई तो मेरा काम हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, मेरा टिकट है रिटर्न। इसी काम के लिए आई थी? हाँ, इसी जो काम के लिए मैं आई थी मेरा काम पूरा हुआ है, मेरा रिटर्न टिकट है। क्यों करें, मैं फास्ट लगा है, थोड़ा भावुक हो गया, मैं उसकी बहुत फास्ट ट्रेंड हूँ, माता जी नहीं देख पाई उसकी जलती हुई, वो बैक बैक की जल के लाइव हो रही है, किसको लाइव दी विरोध है, चलने का लाइव किया था क्या, चलने का लाइव किया था, किसको लाइव दिखा रही है? नहीं नहीं हम तो मौके पर है, इतना आके भावुक होके रोना, पास में खड़ी होना, हम लोग भी कंफ्यूज है कि ये लोग सोचे कि इनके बड़े करीब हैं, हम लोग कभी देखते नहीं है, आकाश में मुझे ना मैं बोल भी रहा हूँ कि दीदी घट जाइए, उधर नहीं बैठना चाहिए लेडीज लोगों, बोलते नहीं हमें इधर ही बैठना, गणपति में भी आई थी,
मुझे क्या पता कि इतना बड़ा वो कुतिया का बोली थी निशा पांडे मेरी लड़की तो किसी से साथ में सबसे प्रेमी से रहती तो करके लेकिन उसके साथ में विश्वासघात खैर ईश्वर है उसको, उसको बोला मैं कि चलो भाभी अकेली है थोड़ा उनके साथ में रहो थोड़ा उनका दुख करो क्योंकि नहीं चाचा बाद में गाइस आप लोग कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और बाकी सारी चीजें जो भी हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं आप लोग के लिए और नई वीडियोस ला सकूं और गाइस आप मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियो जाकर देख सकते हैं जो कि सुमन कुशवाहा के नाम से तो जाइए देखिए और कमेंट कीजिए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बाय सी यू।